वो अपनी औकात जो होती है ना, उर्दू का वर्ड है औकात, मेरी औकात से जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे 100 गुना अधिक हमको मिला है। अपने बैच में 108 आदमी का IPS ऑफिसर का बैच था, उसमें सबसे काबिल मैं नहीं बना, लेकिन मैं DGP बना, उसमें 100 आदमी नहीं बने, यही बात बता रहा हूँ। और जब मैं परीक्षा भी UPSC का दे रहा था तो मेरे साथ जितने तैयारी कर रहे थे लोग, सबसे उसमें खराब विद्यार्थी मैं, जो नहीं कर पाए वो सब मेरे से अच्छे। कथावाचक बन गए, आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई राजनीति में, चुनाव के लिए आपने DGP जैसा पद छोड़ दिया, टिकट नहीं मिला, पार्टी में कोई पद नहीं मिला, कहीं आपको लगता है कहीं चूक हो गई, निराशा इसको लेकर है क्या? देखिए, यही सवाल पूछने के लिए हमको हमारी लंबी लंबी जो इंटरव्यू होती है 500 चैनल पे देखा। मैं पब्लिसिटी अब नहीं चाहता, ईमानदारी से कहता हूँ। किसी से कोई शिकायत है कि आपको लगता है कि आपको धोखा दिया गया? एकदम गलत है ये धोखा, सब मुँह जान बूझ करके लोग ठूसते हैं। विधायक, आप जानते हैं बिहार में विधायक का क्या स्टेटस है, प्रोटोकॉल का बात छोड़ दो, DGP का क्या ठसा होता है, क्या रुतबा होता है, क्या ऐश्वर्य होता है, कितना संसाधन होता है। तो क्या मैं केवल विधायक के लिए, और आप टिकट ले लीजिएगा तो इसकी गारंटी है कि आप विधायक हो गए, टिकट लेकर हार भी सकते हैं। मैं तो एक स्टैंडर्ड हमारा था कि हम स्थापित करना चाहते थे, वो मौका नहीं मिला तो उसमें मेरा क्या दोष? मौका नहीं मिला तो ठीक है, प्रारब्ध इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरे प्रारब्ध में नहीं था, इसका कोई अफसोस नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए कोई नई भूमिका तैयार रखी। अभी बिहार के रॉबिनहुड कहे जाने वाले गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक हो चुके हैं, इस वक्त पूर्व DGP हमारे साथ हैं, कथावाचक बन गए, कहाँ कहाँ कथा किए हैं अभी तक? अभी पहली ही मेरी कथा हुई, और ये बहुत योजनाबद्ध ढंग से नहीं हुई। मैं अयोध्या जरूर गया था, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने गया था, और वहाँ एक आचार्य जी के आश्रम में मैं ठहरा था, और महाराज जी से बातचीत के क्रम में अचानक ही हुआ कि एक कथा, गीतोक्त करके एक छोटा सा 200 लोगों का ग्रुप है, उन लोगों ने बेहद पहले से आग्रह किया था कि मैं उनको भागवत कथा सुनाऊं। तो महाराज जी ने कहा कि आप अयोध्या आए हैं तो अयोध्या ही से सुना दीजिए। तो ये कथा ऑनलाइन हुई, वहाँ कोई दर्शक नहीं था, एक यहाँ कुर्सी बिछा दी गई, और आश्रम में जो 5-7 लोग 10-20 लोग रहते थे वो सामने बैठते थे, और वो मैं कथा कहता था। वो कथा, उसमें न कोई लाइट था, न कोई माइक था, न कोई साउंड सिस्टम था, न कोई संगीतज्ञ था। तो कथा से होती है, कौन कौन सी कथा आपको आती है? हमको सब कथाएं आती हैं भगवान की दया से, सारे पुराण का मैंने पाठन किया है, 18 पुराण है, करीब करीब 18 पुराणों को मैंने पढ़ा है। मैंने 6 दर्शन है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है, मैंने पूरा खड दर्शन का अध्ययन किया है। मैंने श्री भागवत पुराण को विशेष रूप से पढ़ा है, मैंने श्री रामचरितमानस को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, मैंने जो ये सनातन के प्रमुख ग्रंथ हैं इन सबको पढ़ा है। और पढ़ा है मतलब इस तरह से, एक तो रुचि के कारण, दूसरे मेरा बैकग्राउंड ही संस्कृत का है, क्योंकि मैं संस्कृत से ग्रेजुएट हूँ, संस्कृत से ही MA की भी पढ़ाई की है, फाइनल परीक्षा नहीं दे पाया, UPSC में हो गया, चला गया, तो मेरा बैकग्राउंड ही संस्कृत का रहा है, संस्कृत ही से BA किया, संस्कृत ही से MA किया, तो इसमें ये सब सिलेबस की चीज़ें। बहुत कहाँ कहाँ कथाएं आपके करने का प्रोग्राम बना है? प्रोग्राम नहीं, जैसे निमंत्रण तो बहुत आ रहे हैं, तो आग्रह अनुरोध जो आ रहे हैं तो जहाँ, क्योंकि जहाँ भी अनुरोध आता है तो अपने समय की उपलब्धता का, जैसे अभी लगातार वृंदावन में 2 कथाएँ प्रस्तावित हैं, 16 से 22 तक होगी मानसी गंगा गोवर्धन के पास, कोई महाराज जी हैं उनकी तरफ से आग्रह, तो उसके लिए मैं 14 पूछला जाऊंगा वृंदावन, उसके बाद वो कथा समाप्त होगी, उसके 2 ही दिन के बाद 25 से फिर वहाँ फोगला आश्रम में एक कथा प्रस्तावित है, कोरोना के कारण व्यवधान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 99% वो भी कथा हो जाएगी, तो पूरे मतलब समझिए कि 15-20 दिन तो वृंदावन में कथा ही होती रहेगी, तो पूरा जुलाई तो कथा में बीत जाएगा, उसके बाद अगस्त में वेस्ट बंगाल में मेरी कथा प्रस्तावित है, तो वो जन्माष्टमी में तो वहाँ कथा हो जाएगी, उसके बाद में बुंदेलखंड में मेरी कथा लगी हुई है, उसके बाद में पटना में बिशनपुरा एक गांव है वहाँ मेरी राम कथा लगी हुई है, चतुर्मास बीतेगा तो एक यज्ञ हो रहा है तो उसमें कथा होगी, और कर्नाटक के कुछ लोग आ रहे हैं गया में, तो वो आते हैं तो उनको भागवत सुनानी है, तो वो भी कोरोना के चलते थोड़ा डिस्टर्ब है, तो शायद वो भी कथा लग जाएगी, इस तरह से उरई में एक कथा मेरी लगने की संभावना है, तो इस बार मुझे लगता है कि मेरी 20 कथाएं करीब करीब सेप में है, माने आगे 2022 के जून जुलाई तक मेरी कथाएं लगातार लगी हुई।
विदेश भी जाने का प्लान है? विदेश में मेरी कोई ऐसा प्लान, देखिए विदेश में पढ़ाई करने का मैं इतना घूम चुका हूँ, सिविल एविएशन में था तो जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं सब जगह घूमने का सहज ही मौका मिल गया, वो ऑफिशियल रूप से, मतलब कनाडा हो, जापान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूको, सब जगह पूरा एक मैं भारतीय विदेश सेवा में मेरा इनिशियली चयन हुआ था, जिसको छोड़ करके मैंने तो फौरन में कथाएँ कहाँ करने का मेरी तरफ से अपनी कोई योजना नहीं है। जहाँ से प्रस्ताव आए हैं वो बता सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से मुझे कथा करने का प्रस्ताव है, सिंगापुर से भी कथा करने का प्रस्ताव है, ओमान से आज एक हमारे मित्र ने कथा करने का प्रस्ताव दिया है, यूके मैंने लंदन में एक कथा करने का प्रस्ताव है, अभी तो इतना ही। कथावाचक बन गए, आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई राजनीति में, चुनाव के लिए आपने DGP जैसा पद छोड़ दिया, टिकट नहीं मिला, पार्टी में कोई पद नहीं मिला, कहीं आपको लगता है कहीं चूक हो गई, निराशा इसको लेकर है क्या? देखिए यही सवाल पूछने के लिए हमको हमारी लंबी लंबी जो इंटरव्यू होती है 500 चैनल पे देखा, मैं पब्लिसिटी अब नहीं चाहता, ईमानदारी से कहता हूँ मैं। आप देखिए मेरे को सेवानिवृत्त सितंबर से आज तक मैंने मेरे फेसबुक कोई मैं फेसबुक भी नहीं पोस्ट करता, न मैं लाइव आता हूँ, न मैं पोस्ट होता हूँ। मैं कभी भी जीवन में 33 साल नौकरी किया लेकिन मैंने कभी किसी मीडिया वाले भाई को, किसी अखबार वाले भाई को एक आदमी खोज करके निकाल दीजिए जिसको मैंने अपनी तरफ से कहा होगा कि मेरा समाचार बना दीजिए, वो ठीक है लेकिन निराशा है। तो मैं बता रहा हूँ, निराशा नाम की मेरे जीवन में कोई चीज़ नहीं है। मेरे को अपनी औकात जो होती है ना, उर्दू का वर्ड है औकात, मेरी औकात से जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे 100 गुना अधिक हमको मिला है। अपने बैच में 108 आदमी का IPS अफसर का बैच था, उसमें सबसे काबिल मैं नहीं था लेकिन मैं DGP बना, उसमें 100 आदमी नहीं बने, यही बात बता रहा। और जब मैं परीक्षा भी UPSC का दे रहा था तो मेरे साथ जितने तैयारी कर रहे थे लोग सबसे उसमें खराब विद्यार्थी मैं था, जो नहीं कर पाए वो सब मेरे से अच्छे थे। तो सवाल है, फिर भी मैं बना। तो जिस तरह का बैकग्राउंड से, जैसी पढ़ाई लिखाई हुई, मैट्रिक तक हमको हिंदी खड़ी नहीं बोलने आती थी, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए। तो उस तरह से गाँव के देहात से आकर मैं IPS बन गया, और दूनी स्कूल पब्लिक स्कूल पढ़े लोग नहीं बनते। तो मेरी, मैं जितना डिजर्व करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला हर जगह। क्या आप नेता बनना डिजर्व नहीं करते थे? नहीं करता था ना, मैं महसूस करता हूँ कि नहीं करता था ना। नेता बनना कोई आसान बात थोड़े है, बहुत योग्यता की जरूरत होती है, धीरज की जरूरत होती है, संयम की जरूरत होती है, स्ट्रगल करने की क्षमता चाहिए, संयम चाहिए, धीरज चाहिए, उतना तपस्या करने का, उतना बर्दाश्त करने का क्षमता चाहिए, बहुत ऊंची योग्यता चाहिए नेता बनने के लिए, शायद मुझ में नहीं थी, अगर रहती तो मैं नहीं सफल हो गया होता। बोलिए, किसी से कोई शिकायत है क्या? आपको लगता है कि आपको धोखा दिया गया? एकदम गलत है ये धोखा, सब में मुंह जान बूझ करके लोग ठूसते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ईमानदारी से, नौकरी छोड़ना मेरा फैसला था, राजनीति ज्वाइन करना मेरा फैसला था, चुनाव लड़ना मेरा फैसला था, लेकिन आप एकदम न्यूट्रल होकर के बिना बायस्ड हुए अकेले में जाकर के घर में सोचिएगा कि कोई आदमी होगा कि जो विधायक का टिकट के लिए DGP का कुर्सी छोड़ देगा 6 महीना का। ये तो सबको अचंभित करने वाला फैसला, कोई नहीं, विधायक आप जानते हैं बिहार में विधायक का क्या स्टेटस है, प्रोटोकॉल का बात छोड़ दीजिए, DGP का क्या ठसा होता है, क्या रुतबा होता है, क्या ऐश्वर्य होता है, कितना संसाधन होता है। तो क्या मैं केवल विधायक के लिए, और आप टिकट ले लीजिएगा तो इसकी गारंटी है कि आप विधायक हो गए, टिकट लेकर हार भी सकते हैं। मैं तो एक स्टैंडर्ड हमारा था कि हम स्थापित करना चाहते थे एक विधायक, वो मौका नहीं मिला तो उसमें मेरा क्या दोष, मौका नहीं मिला आपको। तो ठीक है, प्रारब्ध इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरे प्रारब्ध में नहीं था, इसका कोई अफसोस नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए कोई नई भूमिका तैयार रखी थी। आपने औकात शब्द का जिक्र किया, आपने बोला कि आप जितना डिजर्व करते थे उससे आपको कहीं कई गुना ज्यादा मिला। मुझे बीते साल की घटना याद आ रही है, रिया चक्रवर्ती को जुगाली की बातें हो गई, क्योंकि उस समय मैंने इसलिए कहा था कि रिया चक्रवर्ती जी आज तक दोषी साबित हुई नहीं सर, और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ, जो जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे, आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल गया, एक साल हो गया उनकी बरसी हो? मैं एक बात कर रहा हूँ, बता दें, मैंने कभी भी ये बात, आप पूरा मेरा जितना भी इंटरव्यू दिया होगा हिंदी में, अंग्रेजी में, जितना भी सब नेट पर है, आप निकाल करके देखिए कि मैंने कहीं भी ये शब्द बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन किल्ड या ही हैज बीन मर्डर्ड, मैंने अपनी तरफ से कहीं भी ये बात बोला ही नहीं, क्योंकि किसी कंक्लूजन पर मेरा इन्वेस्टिगेशन पहुंचा ही नहीं,
या मेरे इन्वेस्टिगेशन को किसी कंक्लूजन को पहुंचने ही नहीं दिए गए। मैंने उसमें क्या किया, FIR कर दिया। विवाद हुआ कि बिहार में FIR कैसे होगा भाई, घटना हुई है मुंबई में, लेकिन इस पर बहुत टीवी डिबेट हुआ, बहुत विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामला को सेटल कर दिया, तो इस पर बात करना बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, FIR हो सकता है, अभी सेटल हो गया। फिर मैंने टीम भेजा, इस पर विवाद हुआ कि बिहार पुलिस मुंबई में जाकर कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी सेटल कर दिया कि ये भी कोई गलत काम नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि मैंने तो दो ही काम किया ना, FIR किया, टीम भेजी। मैंने तो हल्ला करना तब शुरू किया जब मेरे एक सीनियर IPS ऑफिसर को बदसलूकी किया उसके साथ मुंबई पुलिस ने, उसको क्वारंटीन कर दिया, आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, काइंड ऑफ आउटर। तब मैंने यही हमेशा क्या दोष था, हमने वो सब में रिया का क्या दोष था, क्या सरकार में थी वो, खुद को बचा रही थी, कैसे बचा रही थी? रिया नेम्ड FIR एक्यूज्ड है, जो मुकदमा हुआ है उसमें प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त है। तो प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, किसी 13-12 करोड़ आबादी का जो मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की औकात, माने स्ट्रेचर, मैं नहीं जानता था औकात। पांडे जी, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, DGP रहे हैं, पुलिस की लीड किया आपने इतने साल तक, क्या संविधान में किसी कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है तो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के मेरे संवैधानिक अधिकार में कोई कमी हो जाती है? हम इसलिए, मुख्यमंत्री तो इस पिक्चर में कहीं है ही नहीं, केस मुख्यमंत्री ने नहीं किया था, टीम मुख्यमंत्री ने नहीं भेजा था, अनुसंधान मुख्यमंत्री नहीं कर रहे थे, इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री थे ही नहीं, तो मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, औकात वाली बात जो है, सेम डे उसी दिन आधा घंटा के अंदर, आपको अगर याद हो तो सेम डे मैंने इसको वापस ले लिया था। याद कि भाई अगर ये बात स्पॉन्टेनियसली, ये शब्द निकल गया जिसको डेरोगेटरी माना जा रहा है, हालांकि उसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में स्ट्रेचर ही होता है, जो कि डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन मैं इसको वापस लेता हूँ और माफी मांगता हूँ। उसी स्थिति बात ही खत्म हो गई थी, अब उसको बात करने का टाइम वेस्ट। इंसाफ की बात मैं कर रहा था कि आपको लगता है कि बरसी हो गई सुशांत राजपूत की। मेरा एक सवाल, आपने आप ट्विटर फेसबुक पर CBI के इन्वेस्टिगेशन का तरीका जिसको पता है, चूंकि मैं पुलिस में नौकरी कर चुका हूं 33 साल, 8 जिलों में SP रह चुका हूं, और 33 साल में मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा मैं फील्ड में ही रहा हूं, मेरी साइड पोस्टिंग हुई ही नहीं है, बहुत कम मैंने तब हुई है जबकि जैसे मान लो ADG हो गया, तो ADG के लिए फील्ड में कोई पोस्टिंग नहीं है, उसके बाद में मुख्यालय, नहीं तो मैं इस जिले से इस जिला, सब टफ। छोड़ क्यों दे इंसाफ की लड़ाई? नहीं, मैंने छोड़, वही बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए ना, पूरा बात सुनिएगा। तो CBI के काम करने का तरीका जो जानता है वो अच्छी तरह, जब मैटर माने सब्जेक्ट का, केस का इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CBI ने ग्रहण कर लिया, नाउ दिस केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द CBI, बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपकी टिप्पणी करने से इन्वेस्टिगेशन की गति बाधित हो सकती है, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, दिशा उसकी गड़बड़ हो सकती है। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर CBI के द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत है, उस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक आप अनुरोध कर सकते हैं, भाई थोड़ा इसको जल्दी करो। सुशांत राजपूत को आपने याद नहीं किया उनकी बरसी पर? मैं लगातार आपका ट्विटर चेक कर रहा था कि अब आप ट्वीट करेंगे, अब आप फेसबुक पोस्ट करेंगे, वजह क्या रही? देखिए, हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़कर, मैं सबसे आज भी कई मीडिया वालों से बोल रहा था कि मुझे तो मैं आप बताइए, मन से याद किया उनको आप? देखिए, जब ये घटना हुई मुंबई में, जब ये इंसिडेंट पता चला कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की, सूचना यही थी, न्यूज भी यही था, आप पता कर लीजिए, उनके पिताजी यहाँ रहते हैं, आई वॉज फर्स्ट पर्सन टू विजिट हिज होम, पहला इंपॉर्टेंट आदमी में, उनके सगे संबंधी आए होंगे, बाद में तो पता चला तो मीडिया वाले बहुत पहुंचे, भीड़ लग गई, बाद में VIP लोगों का भी धक्का लग, मैं लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचा था। मुझे नहीं पता था ये केस ये आगे चलकर टर्न लेने वाला है, इतना इसमें तमाशा होने वाला है, ये मुझे भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता होगा, उनके पिता को भी नहीं पता होगा।
याद करते हैं आप सुशांत राजपूत, वही बता रहे हैं, मैं जब गया तो किसी को बताकर थोड़ी गया था, किसी को प्रचार करके थोड़े, मैं तो अकेला गया था, अकेला उनके पिता से मिला था, उनकी बहनों से मिला था, जो घर के लोग थे उन्हीं से मिला था, अकेला मिला था और बहुत देर तक बैठा था, पूछिएगा, और बहुत दुखी होकर के मैं, इसलिए दो कारणों से, सुशांत सिंह राजपूत से व्यक्तित्व मेरा परिचय नहीं था, लेकिन उनके जो बहनोई हैं आईपीएस में वो हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उनके माध्यम से पूरा मैं इमोशनली जुड़ा हुआ था उससे, तो मैं पहले दिन जो गया तो इसीलिए गया, नहीं तो उस समय थोड़ी मालूम था कि ये बाद में ये मर्डर हो जाएगा, इतना इस पर तमाशा होगा, देश भर में हंगामा होगा, हम यही जानकर गए कि आत्महत्या का मामला है, चलकर हमको भी संवेदना अपनी प्रकट करनी है, बस चैप्टर क्लोज। उसके 52 दिन के बाद ये FIR हुआ है और इशारा जटिलता जो बढ़ी है उसके बाद बढ़ी है, हमारे FIR नहीं किए होते तो ये मामला खत्म था, न्यूज ही नहीं था। मुंबई में उनके सुसाइड के एक सप्ताह के बाद ये समाचार खत्म हो गया था और पूरे देश के लिए ये कोई न्यूज ही नहीं था। आप याद कीजिए, ये न्यूज पूरे देश में हुआ जब मैंने 50 या 52 दिन के बाद, तिथि ठीक ना, जब मैंने FIR करके और टीम वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी, तब इसमें आप आ गए, मीडिया आ गई, पूरे देश की जनता आ गई, लीगल लोग, मैं हर हाईकोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट, अगर मैंने मुकदमा नहीं किया होता तो बात खत्म थी, ये कहानी खत्म थी, स्टोरी खत्म थी। गुप्तेश्वर पांडे जो कि पूर्व DGP रहे हैं बिहार के, अब वो कथावाचक हो गए हैं, अभी उन्होंने वृंदावन में कथा सुनाई है और आने वाले दिनों में लगातार उनके कथा के प्रोग्राम फिक्स हो चुके हैं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।